गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट देखो हमने जो फॉर्मूला डिफाइन किया था, इसमें एक तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, एक सिंपल इस तो ये एक्सप्लेन करेंगे, ये डिफाइन करेंगे आज की कि इन फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे लास्ट। ठीक है, फॉर्मूला हमने वो जस्ट जो प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान रखनी थी, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी थी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में। तो एक तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जब हम डिफाइन करते हैं तो इसका तो हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एक तो हमें जो प्रॉब्लम दी होगी, जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, हमने एंगल गिवन होगा, मैग्नीट्यूड गिवन होंगे, तो हम या हमें डॉट प्रोडक्ट गिवन होगा, ये सिंपल इसको अप्लाई करके तुम कोई एक कंडीशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सेम ऐसा ही जब ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो ए क्रॉस बी या तो हमें डायरेक्ट गिवन होगा या कोई कंडीशन गिवन होगी, फिर हमें या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ बी या एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये तो जस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। यहाँ से सेकंड देखो, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में ही जब हमें सपोज ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप प्लस या ए एक्स ए को इसमें ले तो ए एक्स वाई कैप y और ए जेड के कैप, ये लिया। और सपोज सेकेंड है अगर हमारे पास b वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप, मीन्स कि इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप थ्री डी। ठीक है, यानी कि स्पेस में अगर हमें एक वेक्टर गिवन है इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट और सेकेंड भी अगर हमारे किस में गिवन है इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, तो अब हमने अगर इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इस केस में सिंपल है, आप क्या करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए की वैल्यू पुट करो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, ऐसे ही अप्लाई करो सेकेंड बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। या तो सिंपल यहाँ से ध्यान रखना, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल रूल्स, वैसे तो क्या करोगे ए एक्स आई कैप को आप पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे इसको एग्जैक्ट अगर जैसे तुमने पहले पढ़ी है प्रॉपर्टी आई डॉट आई इक्वल टू वन होता है, आई डॉट आई इक्वल टू कितना होता है वन, तो आई डॉट आई इक्वल टू वन होता है, तो हमें फिर आई और जे यानी कि इस ए एक्स आई का जे से अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना हो जाना है जीरो, तो जीरो हो जाना है, तो सीधे इतना ध्यान रखोगे आई बी एक्स आई का ए एक्स आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो और ए वाई जे का बी वाई जे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो और बी जेड के का ए जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो सीधे सीधे तुम्हारे पास इस टर्म में इसको अगर हम ओपन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स इंटू बी एक्स आई डॉट आई। अब देखो अगर ये भी आपको क्लियर है आई डॉट आई वन होता है तो इसको भी हटा दो यहीं पे, ठीक है, अदरवाइज इसको नोट कर सकते हो, जस्ट एक स्टेप बाद रिमूव कर देना। बाकी अब देखो मैं ए एक्स आई का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो सीधे डायरेक्ट प्लस ए वाई और यहां जे कैप, जे कैप का कोफिशियंट बी वाई इंटू बी वाई, तो कितना आ जाएगा जे डॉट जे लास्ट प्लस ए जेड और बी जेड के कैप डॉट के कैप। ये तो सिंपल देखो ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन, तो सिर्फ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। डॉट प्रोडक्ट में सिंपल इतना ध्यान रखना, इस टाइप से सिंपल है। ठीक है, एग्जांपल क्या ले सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम ए वेक्टर इक्वल टू मैं लेता हूँ थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप सपोज एंड बी वेक्टर इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, ये हो गया क्वेश्चन। अगर हमारे पास सिंपल देखो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अब अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर
डॉट बी वैक्टर इक्वल टू, दोनों के कॉम्पोनेंट नोट करो तो कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो सिंपल देखो, जैसे यहाँ मैंने आपको जनरली फॉर्मूला ओपन करके ये बताया, तो सीधे सीधे देखो i.i, j.j, k.k, क्योंकि बाकी कोई भी अगर i.j करते हैं तो जीरो हो जाना है। तो 3i, 2i, 3 2 जा 6, i.i, तो कितना आ गया 6। फिर देखो 2 into 3 प्लस अगेन 6, j.j 1 माइनस, तो माइनस साइन लोगे, k का कोफिशियंट कितना है 1, 1 into 4, 4 एंड के डॉट के अगेन 1। तो लास्ट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 माइनस 4 8 यूनिट, ये हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप से तुम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी कि वेक्टर फॉर्म पे गिवन होगा, ठीक है। तो ऐसे ओपन करोगे, सॉल्व इस टाइप से करोगे। अब यहीं पे अगर आप लोगों से पूछा होगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सपोज इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या यहाँ भी जो हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए जब हम रिजॉल्व कर रहे थे वेक्टर्स को, वहाँ पे ध्यान रखना, तो रिजॉल्व करते टाइम हमने मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया था, जस्ट जो यूनिट वैक्टर है उसका कोफिशियंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और ऐड कर दो। तो मैं यहीं पे अगर सपोज देखना एग्जांपल के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपने इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने, तो ए मॉड अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू ये लिखूंगा मैं कितना, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो सिंपल मैग्नीट्यूड हम ऐसे फाइंड करते हैं, ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म पे अगर वेक्टर्स गिवन है तो ए इक्वल टू अंडर रूट कितना आ जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया, अंडर रूट 14 यूनिट। मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट, यार अब फिर इसके बाद देखो, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट को स्टेप से सॉल्व करेंगे तो इस पे बेस्ड अदर ऐसी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस बेस्ड, कंडीशन गिवन होंगी, कहीं पे आपको ए डॉट बी की पूरी वैल्यू गिवन होगी, तो ए बी या एंगल भी फाइंड करना हो सकता है। तो इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करके आपको कैसे ओपन करना है, क्या एग्जैक्ट ये क्लियर होना चाहिए, ओके।